नाउ मर्जर की अगर मैं बात करूं तुमने दो तरीके के अभी लेटेस्ट मर्जर सुने होंगे या आने वाले टाइम में तुम सुनोगे भी मतलब एक तो सुन ही रखा है ऑब्वियसली हो चुका है एक आने वाले टाइम में सुनोगे सो so मर्जर के अंदर मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज इनटू वन लार्ज कंपनी मर्जर में क्या होता है लेट मी एक्सप्लेन क्विकली अगर आप एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाना चाहते हो ना ग्रो होना चाहते हो वहां पे नेसेसिटी हो जाती है कि आपको मर्ज होना पड़े क्योंकि उसमें जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है जितना आपको एरिया कवर करना है जितनी आपको ग्रोथ देखनी है वो अकेले उस मॉडल पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू आर डायरेक्टली फेसिंग अ कॉम्पिटिशन बिकॉज यू हैव दैट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट तो उस कॉन्टेक्स्ट में तुम क्या करते हो अपने आप को उस लेवल पर एक्सपैंड करने के लिए क्योंकि यू नो दैट इज अनएक्सप्लोर्ड मार्केट फॉर यू यू आर ऑलरेडी नॉट गेटिंग दैट मार्केट एंड प्लस दो कंपनीज इंडिविजुअल मार्केट अपना लेके बैठी है ना अगर इन दो को कंबाइन कर दिया जाए तो ये दो जो रेवेन्यू लेके आ रही है वो तो लेके आएंगी आएंगी साथ में इन दोनों को मर्जर एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेके आएगा जहां पे इनकी कैपिटल से वो थर्ड अनएक्सप्लोर्ड मार्केट केटर हो जाएगा दैट इज द पावर ऑफ मर्जर एंड इसलिए तुम ये सोचते होगी क्या ये कंपनीज वीक हो गई इसलिए मर्ज हो रही है नहीं बल्कि ये कंपनीज जिस लेवल पे स्ट्रांग हैं उसको टेन टाइम्स करना चाहती है ट्वेंटी टाइम्स करना चाहती है टाइम्स करना चाहती है तभी ये जाके मर्ज होती है टारगेट ही ना कर सके अगर कोई तीसरा क्रिएट भी करना चाह रहा हो एक मार्केट तो वो कभी क्रिएट ना कर पाए बिकॉज इनका मर्जर इतना बड़ा हो चुका है सो अगेन मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज वन लार्ज कंपनी अभी रिसेंट टाइम्स में वॉर्ना ब्रदर्स और डिस्कवरी का मर्जर हुआ है And now Warner Brothers एंड नाउ वार्नर ब्रदर्स stock swap or cash payment to the target दावर ऑफ मर्जर जो होते हैं थोड़े आपके पास आपके शेयर के हमारे पास ऐसे चले जाएं, या फिर कैश पेमेंट करके सीधे बैंक ट्रांसफर किया उठा लिया पूरा, पूरा का पूरा कंपनी को नाउ टू फॉर्म से पहला होता है amalgamation. Two टू एंटिटीज कंबाइंड and एंड फॉर्म न्यू एंटिटी

नॉट फ्राम द प्रस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम क्योंकि ऑब्वियसली तुम अंतरप्रीनरशिप uh, जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सो so मैं चाहता हूँ कि कुछ यूनिक भी तुम्हें बताऊँ तो जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है जिसको पंजाब नेशनल बैंक ने एब्जॉर्ब uh, कर लिया जो मैंने अभी तुम्हें प्रीवियसली बताया उसका एक और टर्म यूज किया जाता है जो शायद तुमने कभी सुना नहीं होगा एंड मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बताऊँ वो है सोलोड सोलो कर लेती है मतलब अपने अंदर निगल लेती है तो बस

हैविंग इन टोटली डिफरेंट एक्टिविटीज टोटली डिफरेंट परस्पेक्टिव और वो जब साथ में मर्ज हुए तो वो कहलाएम कॉन्ग्लॉमरेट मर्जर सेकेंड आता हूँ, अब प्योर कंग्लॉमरेट मतलब इसी के अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्योर कंग्लॉमरेट क्या होता है प्योर कंग्लॉमरेट के अंदर वही कंग्लॉमरेट की डेफिनेशन है मर्जर की डेफिनेशन है जहाँ पे दर इज नथिंग इन कॉमन बट उन्होंने मर्ज कर लिया मे बी फॉर समीजन मे बी कैपिटल शेयरिंग होने के कारण मे बी कोई और रीजन के कारण बट उनकी एक्टिविटीज में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है जैसे यहां पे प्योर कंग्लॉमरेट में लिखा हुआ है इन्वॉल्व टू फर्म्स दैट हैथिंग इन कॉमन इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है बट मे भी हो सकता है कि फंड वगैरह हो गया या दस चीजें होती हैं जिसके लिए वो लोग मर्ज होते हैं मे बी उस रीजन से वो मर्ज हो गए हों बहुत सारे अब uh, मैं अब कभी फुर्सत में बताऊंगा जैसे फॉर्मूला वन रेसेस में ऐसे बहुत बार ऐसे हुए हैं जो कि प्योर कॉन्ग्लॉमरेट हैं जिनका कोई रीजन नहीं था कोई लॉजिक नहीं था इट वाज मोस्टली अबाउट द कैपिटल शेयरिंग थिंग फिर आता है मेरे भाइयों मिक्स्ड भाइयोंग्लॉमरेट इसमें बोला गया इन्वॉल्व फॉर्म लुकिंग फॉर प्रोडक्ट एक्सटेंशन और मार्केट एक्सटेंशन इसमें क्या हो जाता है वहां पर मार्केट एक्सटेंशन देखा जाता है जैसे वो जो डिज्नी वाला मर्जर था वहां पे एक तो था कि दोनों का डिजिटल प्रेजेंस है यानी दोनों का मूवीज बोल लो टीवी सीरीज बोल लो इन सब में इन्वॉल्वमेंट था और वो कहीं ना कहीं मिक्सड कॉन्ग्लॉमरेट था ताकि वो अपना प्रोडक्ट एक्सटेंड कर सकें मार्केट एक्सटेंड कर सकें एंड कोविड सिचुएशन में तुमने देखा होगा काफी सारी मूवीज जो हैं उनका वेब प्रीव्यू रहा या वेब लॉन्च रहा ऐसे टाइम में क्या हुआ जो ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे इन्होंने जितने भी यू you नो know, ये जो टीवी uh, चैनल्स थे इनसे जो uh, किए इसमें प्रोडक्शन हाउसेस को भी बहुत फायदा हुआ साथ साथ में ये जो चैनल्स थे इनको भी बहुत फायदा हुआ तो ये कहलाता है मिक्स कॉन्ग्लॉमरेट जहां पे यस यू काइंड ऑफ नथिंग एफ कॉमन बट इफ यू कम टूगेदर यू विल एक्सपैंड द मार्केट अब तुम मुझसे पूछोगे कि बाबा जी हॉरिजोंटल जो है न, वो कही ना वो कहीं ना कहीं मिक्स कॉन्ग्लॉमरेट का हिंट दे रहा है आई कैन टोटली अंडरस्टैंड बट एक इतना छोटू सा क्लू मैं तुम्हें दूंगा कि तुम्हें डिस्टिंक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जैसे मैंने क्या बोला था डिजनी और एबीसी बी डिजनी अपना अलग चला रहा था उस टाइम पे वो अपने अलग मूवी प्रोडक्शन में लगा हुआ था अपने बाकी उन चीजों में लगा हुआ था जबकि ए एक स्पेसिफिकली चैनल था टी चैनल था ओ टी प्लेटफॉर्म बोलते हैं वो था अब बारी आती है हॉरिजोंटल की हॉरिजोंटल में क्या हुआ से फॉर एन एग्जाम्पल दो ओ टी टी प्लेटफॉर्म है जैसे डिजनी प्लस और हॉटस्टार हॉटस्टार इंडिया में काम करता है डिजनी प्लस फॉरन में काम करता है डिजनी प्लस अभी इंडिया में इंडिपेंडेंटली नहीं आना चाहता ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजनी आई एम टॉकिंग अबाउट डिजनी प्लस जो कि एक ओटीडी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपना हॉटस्टार है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सेम लेवल पे काम करते हैं बट अगर उन्हें इंडिया में बिजनेस बनाना है तो उन्होंने सेम लेवल पे क्या कर लिया मर्जर कर लिया इससे फायदा क्या हुआ हॉटस्टार को कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर बेस वो मिल गया जो डिज्नी प्लस में मिलने वाले अलग अलग वेब सीरीज़ वगैरह को देखना चाहते थे और हॉटस्टार uh, जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा था बिकॉज ऑफ आईपीएल एंड एवरीथिंग तो डिज्नी प्लस से उसे एक एडिशनल पुश मिल गया उन लोगों से उन कस्टमर बेस से जो कि फॉरेन का कंटेंट देखना चाहते थे स्पेशली मार्वल सीरीज बोल लो आ या फिर बहुत सारी चीजें यार इवन लोकी मेरे ख्याल से डिजनी प्लस पे ही आया था मेरे ख्याल से तो वो चीजों से बहुत विंटर सोल्जर वगैरह जो था वो उससे हॉटस्टार को एक सेपरेट पुश मिल गया क्योंकि हॉटस्टार धूंढ भी यही रहा था कि जब आई सीजन ना चले तो मैं कैसे ग्रो हूं और डिजनी प्लस ने उसे वही सपोर्ट दिया सो लेट मी एक्सप्लेन मर्जर अकरिंग बिटवीन कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री सो डिजनी प्लस एंड हॉटस्टार बींग इन द सेम इंडस्ट्री बट वैन इट कम्स टू दैट मिक्सड कॉन्ग्लॉमरेट जहां पे एबीसी और डिजनी थे देवर नॉट काइंड ऑफ इन द सेम इंडस्ट्री एक फिल्म इंडस्ट्री में था एक टीवी चैनल्स एंड पूरी सीरीज में था सो दैट इज अ टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री देन कम्स ऑफ्टन बिटवीन कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग द सेम गुड्स एंड सर्विस तो यहां पे जो ये मर्जर होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है ये आप सेम इंडस्ट्रीज में हो सेम गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आप एक ऐसी जगह मिलकर काम करो जहां पे एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हो बल्कि आपकी मिलकर ग्रोथ कंपेरेटिवली ज्यादा है एंड सबसे अच्छी बात यह है आप इसको बहुत आसानी से इसलिए समझा सकते हो या समझ सकते हो बेसिकली ये उस इंडस्ट्री में आपको जहां देखने को ज्यादा मिलेगा जहां पे अभी कम फॉर्म्स है या कम कंपनीज काम कर रही हैं या वो अभी ग्रोइंग मार्केट है वहां पे आपको ऐसे मर्जर्स जो कि you know, उसमें थोड़ा बहुत घुस चुका है एंटर हो चुका है काम कर चुका है अभी जो मेटावर्स वाला पूरा सिस्टम आ रहा है जो आगे पांच से दस साल में तुम लोग बहुत देखोगे इसके अंदर ना तुम्हें हॉरिजॉन्टल मर्जर्स बहुत मिलेंगे गेमिंग इंडस्ट्री हो गया इसके अंदर तुम्हें हॉरिजोंटल मर्जर्स मिलेंगे जहां आने वाले टाइम में जैसे तुमने जी टी ए फाइव अगर गेम सुना हो नहीं सुना हो तो चलेगा कभी रिसर्च करना जो बड़े गेम्स होते हैं जो बड़े लेवल पे होते हैं बहुत बड़े लेवल पे बनाए जाते हैं उनमें मर्जर्स ऐसे हॉरिजोंटल बहुत होंगे जहां पे मिलकर एक बड़ा मेटावर्स क्रिएट किया जा सके नाउ अगेन टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आती है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर की यह बात हो गई बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जहां पे अब मैं कैसे बताऊं आपको बहुत ही बड़ा मार्केट कैप्चर करना है एट अ वेरी ग्रैंड स्केल एंड कार इंडस्ट्री में यूजुअली यह बहुत ज्यादा देखा गया है अभी जैसे रिसेंट टाइम में टोयोटा और मारुति का कहीं ना कहीं एक मर्जर चल रहा है सेम मार्केट एक्सटेंशन मर्जर जहां पर यूएसए का जो पूरा मार्केट है मारुति को वहां पर टोयोटा हेल्प कर रहा है टोयोटा को मारुति इंडिया में हेल्प कर रहा है ग्लांजा वगैरह अर्बन क्रूजर वगैरह देकर कार्स एक्सटेंशन मर्जर है, है. मारुति भी जानती है सेल आउट नहीं कर सकती प्रोडक्ट डिजाइनिंग में इतना खर्चा नहीं कर सकती यू नो you know, इतना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं लगा सकती तो मारुति क्या करती है टोयोटा की गाड़ियों को रिबैच करके यूएसए मार्केट में बेच रही है अभी मैं मारुति सुजुकी भी बताऊंगा टेंशन मत लेना फिर उसके बाद इंडिया uh, में टोयोटा जानती है कि वो अपने रिसोर्सेस पूरे लेके नहीं आ सकती फोर्ड इज द बेस्ट एग्जांपल कि फोर्ड को जाना पड़ा uh, उससे पहले भी काफी कंपनीज इंडिया छोड़ के चली गई शेवर ले गई है मिस्त चली गई है सो दीज आर द एग्जाम्पल्स के टोयोटा खुद डेवलप नहीं हो सकता तो टोयोटा ने मारुति से हेल्प मांग ली कि आप मुझे इंडिया में हेल्प कर दो मैं आपको यूएसए में हेल्प कर दूंगा नाउ कमिंग टू मारुति सुजुकी अब मारुति सुजुकी का जो पूरा मार्केट है वो इंडिया प्लस साउथ अफ्रीका में चलता है अगर तुम्हें नहीं पता तो आज तुम्हें पता है सेम बलिनो जो इंडिया में बेची जाती है सेम बलिनो साउथ अफ्रीका में भी बेची जाती है बाय द नेम ऑफ सुजुकी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है खैर इंडिया में भी वो सुजुकी है बट मारुति टर्म से तुम समझ सकते हो कि इंडिया में वो परसेप्शन चलता है क्योंकि पहले मारुति सुजुकी ने टाइप किया था एंड देन सुजुकी ने पूरा स्टेक लेकर अपने हिसाब से काम करना चालू किया बट दीज आर द ग्रेट एग्जाम्पल्स जहां पे दो ब्रांड्स टाइप करके चलते हैं होंडा हीरो का हुआ ऐसे बहुत सारे हैं फिर मैं एग्जाम्पल्स देने आऊ तो सो मार्केट एक्सटेंशन मर्जेस कंपनीज़ डीलिंग इन प्रोडक्ट बट इन सेपरेट मार्केट्स कंपनी प्रोडक्ट्स में डील करती हैं काइंड ऑफ़ सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं बट उनके मार्केट डिफरेंट है जो वो केटर या कैप्चर करना चाहते हैं सो पर्पस क्या होता है एक्सेस टू बिगर मार्केट एंड क्लाइंट्स बड़ा मार्केट कैप्चर करो बड़े क्लाइंट्स कैप्चर करो यह इनका टारगेटेट होता है इवन टाटा भी सेम अप्रोच अपना रहा है टाटा जितने भी एंड टू एंड ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया में सेल आउट हो सकते हैं विद गुड बिल्ड क्वालिटी वो टाटा इंडिया में बेच रहा है और बाकी जो उनका एक्विजिशन हो चुका है जो जो तो नहीं हुआ है 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 बेसिकली एक्विजिशन ही लैंड रोवर उसको वो फॉरेन मार्केट में ज्यादा अच्छे से प्रमोट कर रहा है अच्छा मार्केट एक्सटेंशन समझ में आ गया कि अपना मार्केट एक्सपैंड करना है दूसरे नेशन में भी जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो फिर यह प्रोडक्ट एक्सटेंशन क्या हुआ कभी सोचा है कि जब तुम पिज्जा हट में जाते हो तुम्हें हमेशा पेप्सी रखी हुई मिलेगी कोका कोला नहीं मिलेगी लेकिन जब तुम डोमिनोज में जाते हो तो तुम्हें कोका कोला रखी मिलेगी पेप्सी कभी रखी नहीं मिलेगी देर इज अ रीजन बिकॉज ये एक प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर है यहां पे क्या किया एक ब्रांड ने दूसरे ब्रांड के साथ मर्ज कर लिया कि अपन मिलकर प्रोडक्ट सेल करेंगे एंड दीज टू पिज्जा हट एंड डोमिनोज आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट सो प्रोडक्ट एक्सटेंशन कहता है ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स इन प्रोडक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर वो साथ में मिलकर बेचे जाते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है सो ऑपरेट इन द सेम मार्केट ऑब्वियसली दे आर ऑपरेटिंग इन द सेम मार्केट एंड इंश्योर्स हायर प्रॉफिट इससे क्या होगा मैं सेम कोका कोला की बॉटल डोमिनोज के बकल वाली दुकान से सस्ते में खरीद सकता हूं लेकिन वही कोका कोला की बॉटल मुझे डोमिनोज में महंगी मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हायर प्रॉफिट मार्जिन यहां पर डोमिनोज भी प्रॉफिट कमा रहा है कोका कोला भी प्रॉफिट कमा रहा है सो दिस इज हाउ दिस मार्केट वर्क जहां पर प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर है प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड किया और किसी के साथ किसी और के प्रोडक्ट को बेचा गया नाउ तुम मुझसे और भी एग्जाम्पल्स चाहोगे कि मैं इसमें थोड़े से और एग्जाम्पल्स दूं कि प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर में क्या होता है दैट इज काइंड ऑफ अंट फॉर यू जहां पे तुम एक प्रोडक्ट लेने जाते हो उसके साथ किसी दूसरे ब्रांड का एक छोटा सा पाउच सेशे या ट्यूब फ्री मिलता है तुम्हें दैट इज ऑल्सो extension. तुम कोई और प्रोडक्ट लेने गए उसके साथ तुम्हें उसका छोटा सा कोई और डिफरेंट कंपनी का प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर जहां पे एक प्रोडक्ट तो वेल स्टेब्लिड है दूसरा प्रोडक्ट एस्टैब्लिश होने के लिए उस प्रोडक्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है एंड तुम उसको ट्राई करते हो जब तुम्हें अच्छा लगता है तो वही प्रोडक्ट तुम खरीदने मार्केट चले जाते हो अब देखो यार वर्टिकल मर्जर समझाना मेरे लिए तो बहुत आसान है स्पेशली इंडिया के अंदर जहां पे एक टाइम पे चाहे ह्यूंडे हो चाहे मारुति हो इवन अभी तो मैं ये बोलूंगा कि चाहे एमजी एक्टर हो चाहे टाटा हो चाहे जीप हो सबके अंदर एक कॉमन इंजन आता है मल्टीजेट इंजन जो कि है फीएट का फीएट से सोर्स किया हुआ ना ये वर्टिकल मर्जर है वर्टिकल मर्जर क्यों है बिकॉज यू आर वर्किंग इन द सेम फील्ड बट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टाटा जो है वो बॉडी बनाता है और टाटा बहुत सारे पार्ट सोर्स करता है जैसे गेयरबॉक्स जो है टाटा की हैरियर में या टाटा की सफारी में दैट गेयरबॉक्स कम्स फ्रॉम हिंडे एंड uh, जो इंजन है टाटा सफारी में टाटा हैरियर में इवन एम जी हैक्टर में जीप कंपस में uh, उसके बाद एम जी की एक और ग्लोस्टर आती है उसके अंदर ये सारे जो इंजन यूज़ होते हैं ये फीएड uh, के हैं सो so, ऐसे बहुत सारे मर्जर है मैं और एग्जांपल देना चाहूं तो जीप की जो कंपस आती है उसकी पूरी बॉडी जो है वो टाटा बनाता है और इंजन जीप का ऑब्वियसली फीएड से मिलता है बिकॉज फीएड का फियड इज द अम्ब्रेला ब्रांड फॉर जीप मतलब दिमाग फिर गया इतनी सारी नॉलेज मैं तुम्हें एक बार में दे दी बट दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ वर्टिकल मर्जर जहां पर बहुत सारे ब्रांड्स वर्किंग इन द सेम फील्ड They work together. They work in harmony. They work in synergy. Just because of one single reason, because बिकॉज ये सबको profit hota होता है जैसे Bosch कंपनी जो है वो headlamps बनाती है हेडलाइट्स uh, बनाती है बेसिकली जो बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज यूज करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं चाहे वो टाटा uh, हो चाहे वो हिंडे uh, हो चाहे वो एम uh, हो या वॉट जो तुम्हें नाम लेना है वो ले सकते हो उसके अंदर बॉश की हेडलाइट्स uh, यूज होती हैं सो so, ये बेसिकली किया जाता है एक वर्टिकल मर्जर होता है वर्टिकली ये सारे प्लेस्ड होते हैं टू फाइनली डिलीवर अ प्रोडक्ट जो मार्केट में कस्टमर के पास जाएगा एंड ये सब ने सिनर्जी में मिलकर इकट्ठा काम कर लिया लास्टली मैं बताना चाहूँगा फोर्स मोटर की गुरखा करके अभी एक ऑफ रोडिंग व्हीकल आया है उसके अंदर जो इंजन सोर्स किया गया है वो मर्सिडीज़ का इंज, इंजन है एंड मैं भूल जाऊँ उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा मर्सिडीज़ बेंस के इंडिया में ट्रक भी आते हैं आ, लेकिन वो मर्जर होते होते ऐसा हुआ कि वो उसको ना उस नाम से नहीं निकालना चाहते मर्सिडीज़ बेंस के नाम से बिकॉज लोग महंगा समझ के वो ट्रक नहीं खरीदेंगे एंड दैट इज़ द रीज़न उसका इंडिया में नाम है भारत बेंस तो मैंने सोचा डाल देता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर है तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा खैर तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ की तरह नहीं आएगा वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर करके रखा हुआ है ऑल दो फ्लिपकार्ड इंडिपेंडेंट काम कर रहा है है दैट इज फॉर श्योर कोई दिक्कत नहीं बट जरा मीनिंग समझ लो मैं जो समझाना चाहता हूं कॉर्पोरेट एक्शन इन अ कंपनी बाइज मोस्ट ऑफ द टारगेट कंपनी ओनरशिप पूरी नहीं लिए बट मोस्ट ऑफ द शेयर्स तो ले ही लिए हैं ओनरशिप ले ही ली है स्टेक्स इन ऑर्डर स्टेक्स मतलब शेयर हिस्सेदारी ले ली है इन ऑर्डर टू अज्यूम कंट्रोल ऑफ द टारगेट फर्म इससे ये अज्यूम हो जाता है कि जो वो फर्म है उसका कंट्रोल जो है वो पेरेंट कंपनी के पास जा चुका है जैसे इस केस में मैं वॉलमार्ट की बात करूंगा सो so, ये एक्विजिशन कहलाता है एंड मैंने सोचा कि इसको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं सो दैट तुम्हारे पास नोट्स फॉर्म में ये अवेलेबल हो जाए अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं कि इसको टेक ओवर भी कहा जाता है तो अगर कभी एक्विजिशन आ जाए तो तुम टेक ओवर नाम से भी उसको पहचान जाना वैसे ऐसा होगा नहीं बट फिर भी याद रख लेना